टू माई चैनल फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं मटन काला भुना बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ले लेंगे मटन, ज़ीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ते, गोल मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक। बाकी की चीज़ें मैं रेसिपी बनने के साथ बताती रहूँगी। प्रेशर कुकर में मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, उसमें ज़रा सी चीनी डालेंगे, तेज़ पत्ते डालेंगे, आँच धीमी रहेगी, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे साबुत, लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेंगे। 30 सेकंड के लिए रुकेंगे, आँच धीमी होनी ज़रूरी है। 30 सेकंड के बाद डाल देंगे प्याज। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आँच तेज कर देंगे। ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है अनियन को। मटन का पहले हम लोग बॉइलिंग पार्ट करेंगे, बाद में हम लोग मटन को रोस्ट करेंगे जब वो बॉयल हो जाएगी। तो इसीलिए प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसी स्टेज पे मटन ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चुटकी भर गरम मसाला डालेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 4 सीटी होने तक हमें इसे पकाना है। अलग से कोई एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज ऑलरेडी पानी छोड़ेगा काफ़ी सारा। तो चलिए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 4 सीटी होने तक इसे पकने देंगे। चार सीटी हो जाने के बाद इसका प्रेशर अपने आप ही रिलीज़ होने के लिए हम लोग रख देंगे। तो 4 सीटी होने के बाद इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ हुआ था। अब हम लोग इसका ढक्कन खोलेंगे और फिर से गैस ऑन करेंगे। देखिए हमारा मटन ऑलमोस्ट 80% बॉयल होने के बाद पक चुका है। अब इसे धीमी आंच पे करीब 45 से 50 मिनट तक हमें रोस्ट करते रहना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे सूखेगा और जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा वैसे वैसे इसमें एक बढ़िया कलर आता जाएगा। तो देखिए 50 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटन को कितना अच्छा कलर आ गया है। इस स्टेज पे डाल देंगे धनिया की कुछ पत्तियाँ और थोड़ा सा और गरम मसाला और हमारा मटन काला भुना बनके तैयार है। तो चलिए अब कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। 50 मिनट्स लगे इसे धीमी आंच पे रोस्ट होने के लिए। अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।